मैं दोबारा से आ गया हूँ फर्स्ट प्रेजेंट्स पार्क। उसका रीज़न ये है कि बिग अलमाटी लेक जाने का प्लान है अभी। ऑफकोर्स हॉस्टल से तो वही बस करके आ गए थे। तो अभी टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर ओपन हुआ है, तो यहाँ पे मैंने बात की है तो कह रहे एक रास्ता लगभग 9-10 किलोमीटर पहले तक का कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो हम डायरेक्टली वहाँ तक नहीं जा सकते, तो उससे पहले तक हम जा सकते हैं बाय टैक्सी। शी सीम्स टू बी नाइस। पानी की बॉटल उन्होंने ऑफर की है, कैब बुक भी की, एंड शी इज ऑल्सो ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद द ड्राइवर, क्योंकि वो लैंग्वेज का बैरियर होता है ना अदरवाइज। मैंने भी कोशिश की थी अभी बुक करने की, तो ड्राइवर से बात ही नहीं ढंग से हो पा रही थी। ये इनकी एक लोकल ड्रेस है, तो शी इज़ आस्किंग अस टू ट्राई दैट फॉर देयर इंस्टाग्राम पेज। अभी टैक्सी आने वाली है। थैंक्स अ लॉट, इट वॉज ग्रेट मीटिंग यू। पीछे जो पोस्ट दिख रहा है वहाँ पर टैक्सी ने हमें छोड़ दिया कि आगे आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ से कितनी देर लेक अभी और दूर है। वहाँ पे भी उन्होंने बताया था कि एक पॉइंट तक जा सकते हैं, उसके बाद नहीं जा सकते। और भाई 10 किलोमीटर और जाना है अभी, 10 कुछ खाने के लिए लेकर नहीं आए, लग गई वाट। चलो एनीवे, चेक पोस्ट की तरह कुछ आया था, टोल की तरह आया था वहाँ पर। वो कह रहे थे पुलिस वाला तो नहीं है, कोई सिक्योरिटी गार्ड की तरह ही था। उसने बोला 1000 टेंगी पे करने के लिए, टैक्सी का जो भाड़ा था उसका वो पार्ट नहीं था, रिसीट वगैरह दिया नहीं था उसने। प्रेजेंस पार्क से और उस चेक पॉइंट तक टैक्सी का किराया था 4300 के आसपास का। 1000 टेंगी अब पता नहीं किस खाते में गए हैं वो, 5300 के अराउंड पड़ गया। तो आई फील कि ये दिस इज़ नॉट द बेस्ट वे टू कम हियर। बाकी फिलहाल यही ऑप्शन अवेलेबल है, कोई और दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है नहीं। अब यहाँ से है दो रास्ते, BAL मतलब बिग अलमाटी लेक इथे, और ये नीचे क्या है, स्टॉपेज 820 फन। चार में से ना तीन एरो इस तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं, तो मैं मेजोरिटी के साथ जाना चाह रहा हूँ। मैं चांसेस तो है कि यही जा रही है, बाकी यहाँ पर कोई बंदा दिख नहीं रहा दूर दूर तक भी, कैमरा लगे हुए हैं, बस बंदा कोई नहीं है। फिलहाल में थोड़ा चेंज, गूगल मैप हमने देखा है, इस रास्ते से जाना है। इस तरह की बाइसिकल के टूर के बारे में पढ़ा था, अराउंड पता नहीं 15,000 टेंगी था कि 20,000 टेंगी का ट्रिप था, उस पर गया नहीं, बाकी काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता, 3-4 हज़ार के आसपास। ये बंदा बोल रहा है इलेक्ट्रिक बाइक का 20,000, सो 20,000 टेंगी अराउंड हो गया आपका 3,500 INR में, विच इज़ नॉट बैड अगर किसी को करनी हो तो। बाकी वी आर टू लेट, लोकल बंदा ने मना कर दिया। बीच में कच्चे रास्ते से निकल रहे हैं, अभी भी कुछ 7 किलोमीटर के आसपास अभी बता रहा है गाइड। He said this road it was closed because a lot of accidents have been here. Decided to close that one and they bought gig there. Okay. Just the cars who is that having that on gig. So they don't allow it, just walking. If you want, you have to pay 40,000 thing and the return 40,000. We say it for him refuse. ये स्लिपरी एक्चुअली, अभी मैं बचा ट्रिप होते होते, एक तरह से एक ग्रुप बन गया है तो अब थोड़ा आसान हो जाएगा जाना। बाकी यहाँ से वो स्नोफॉल शुरू हो गया दिखना। अब ये बता रहे हैं कि 5 किलोमीटर के आसपास और है अलमाटी लेक, भाई स्लिपरी बहुत है आइस, थोड़ा तो थोड़ा ध्यान से चलना पड़ रहा है। सब गाइड से पूछ रहे हैं कि किधर है, तो वो बोल रहा है मेरे को सांस लेना, तो फिर बताऊँगा मैं आराम से। कि अब यहाँ से कुछ 0.5 किलोमीटर के आसपास कही है सब कुछ। सो फाइनली अभी टॉप तक पहुँच गए हैं और यहाँ से नज़ारा बहुत कमाल का है। तो अभी भाई से मिला हूँ मैं, बेंगलुरु से हैं, इनका एक्सपीरियंस सुनो अब हाइकिंग का। अगर आपको ट्रेकिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है तो मत आना, लेकिन व्यू तो बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। तो इलेक्ट्रिक बाइक से आ सकते हैं? यस, दैट ऑप्शन इज ऑलवेज अवेलेबल, प्राइवेट इलेक्ट्रिक बाइक्स इन द सिटी इटसेल्फ, इन द अलमाटी सिटी इटसेल्फ, दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। यू कैन हायर दैट एंड कम हियर, हैव अ गुड डे, ब्रिंग सम लंच और स्नैक्स, एग्जैक्टली, एंड यू नो डोंट थ्रो एनी प्लास्टिक हियर बिकॉज दिस इज द वाटर, दिस इज द लेक दैट सप्लाइज द वाटर टू द एंटायर अलमाटी सिटी, स्पेशली द इंडियन व्लॉगर्स एंड द इंडियन ब्लॉगर्स, दे हैव misguided it saying that the trek is easy, but even the locals are feeling it difficult and challenging, but they still do it for the fun, but they still find it difficult, and it's okay. If you are a regular hiker you can do it, or else it's difficult, not that you can't do it, but it's difficult, you should start early, take a long time,
take some food and water with you, and by the time you reach, you require full day. After 3:30, 4 o'clock, then बढ़ते जाएगा और इधर sunset है. Sun out है. ये season में 5:30 में sunset हो जाएगा इधर ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा. Exactly same. और next day plan में भी तुमको problem हो जाएगा, उठेगा late और सर्दी लगेगा, सिर दर्द होगा, sinus हो जाएगा, बहुत problem हो जाएगा. तो व्लॉगर्स का मत सुनो, लोकल से पूछो और गूगल रिव्यूज में थोड़ा देखो, थोड़ा रिसर्च करो. आप अभी आप देख लिया है कि आप सब देख लिया है तो ये भाई का वीडियो देखो, ये जो भी है जैसे सच है वो सच सच बताएगा. दूसरा यूट्यूब व्लॉगर्स और ब्लॉगर्स जो बता रहे हैं हाइक इजी है, नहीं तो आराम से 2 घंटा में निकल जाएगा वो सब. अभी इधर टेम्परेचर देखो, इधर टेम्परेचर है 3 degree, 2 degree टेम्परेचर है अभी. बहुत कोल्ड है, हाथ ठंड. हाँ, हैंड्स आर फ्रीजिंग. थैंक यू ब्रदर. अपना खुद का होमवर्क करना सबसे जरूरी है. ब्लाइंडली तो किसी की भी वीडियो पर भरोसा नहीं करना चाहिए. तो टाइम बहुत लग गया, हम 12 बजे स्टार्ट हुए थे, 4.25 घंटे की. मेक श्योर के आप कुछ ना कुछ खाने पीने का पैक करें, क्योंकि पूरे रास्ते कुछ भी नहीं है. ये वीडियो मैं 2 दिन के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ. बिगलमाटी लेक से उस चेक पॉइंट तक जल्दी जल्दी करके 2 घंटे में पहुँच तो मैं गया, लेकिन वो एक गलती थी. जाते हुए 4.5 घंटे के आसपास लगे थे, क्योंकि ब्रेक्स भी लिए थे आते टाइम पे, क्योंकि रात हो रही थी तो जल्दी करनी पड़ी. बट वो एक सही डिसीजन नहीं था, क्योंकि नीचे पहुँचने तक होगी हालत ख़राब, क्योंकि 10 किलोमीटर जाना और 10 किलोमीटर आना, वो और वो भी आते हुए ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लिए. तो मेरा भी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप यूज टू नहीं है हाइकिंग के तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. इट्स इम्पॉर्टेंट कि हमारे बैग में खाने पीने का सामान हो और रेस्ट करते हुए जाएं थोड़ा बहुत, जल्दबाजी ना करें बिल्कुल भी.